हेलो वेज, वेलकम बैक टू चैनल गद्दी विजय। सुधानी अकादमी ऑफ फिनटेक इनेबलर्स लिमिटेड आईपीओ की ओपनिंग 12 सितंबर थर्सडे को होने वाली, यानी कि कल ही आईपीओ ओपन होगा। क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अप्लाई करनी है तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करनी है। इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिल सकती है, इसकी जीएमपी क्या चल रही है, अनलिस्टेड मार्केट में अपने निवेशकों को कितना बेनिफिट दे रही है, इसकी बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा, इन सारे टॉपिक पर हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट करें, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हम लोग इस आईपीओ के इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। ये आईपीओ 12 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर तक ओपन रहेगा। इसका फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर प्राइस, 40 रुपए पर शेयर लॉट साइज 3000 शेयरों की है। टोटल इशू साइज 6.12 करोड़ की है। प्रेस इशू 3.88 करोड़ की है। 2.24 करोड़ का ऑफर पर सेल है। लिस्टिंग बीएससी एसएमई मर्ज प्लेटफॉर्म पर होगी। 20 सितंबर फ्राइडे को लिस्ट होगा। इशू टाइप फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ है। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में 50% का कोटा रिजर्व किया गया है एंड अदर्स के लिए भी 50% का रिजर्वेशन है। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 1,20,000 रुपए है। चयनित कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 2,40,000 रुपए है। फाइनेंशियल स्थिति इसकी बेहतर दिख रहे हैं। एक साल के अंदर 32% प्रॉफिट ग्रो किया है एंड रेवेन्यू 91% इंक्रीज किया है। फाइनेंशियली ये ठीक दिख रही है। 123.91 लाख 22 में इसकी प्रॉफिट था, जो 24 में बढ़कर के 183.17 लाख हो गई है। रेवेन्यू 188.19 लाख से बढ़कर के 306.95 लाख हो गई है। एसेट 362 लाख से बढ़कर के 660.4 लाख हो गई है। नेटवर्थ 338.25 लाख से बढ़कर के 656.22 लाख हो गई है। रिजर्व 311.25 लाख से घटा और घटकर के 183.72 लाख हो गई है और ये निगेटिव साइन है। उधारी भी घटा है, उधारी घट करके 0 हो चुका है, यानी इसको के लिए प्लस साइन है। तो इसमें मुझे अगर रेटिंग देना हो तो मैं 10 में से 5 रेटिंग देना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ पॉजिटिव साइन भी, कुछ निगेटिव साइन भी है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 87.91% है। आरओसी 36.77% है। रिटर्न ऑफ नेटवर्क 27.91% है। डेब्ट फ्री कंपनी है। पीई प्री आईपीओ 10.32 है एंड पोस्ट आईपीओ 12.44 है। फाइनेंशियली इसकी स्थिति मीडियम बोल सकते हैं। बात करें बिजनेस की, 2009 की स्थापित कंपनी है, जो फाइनेंशियल ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग एंड लर्निंग सर्विस प्रोवाइड कराती है, जिसमें मनी इफेक्टिवली मैनेजमेंट की सर्विस प्रदान करती है। बजट वाइजली एंड सेव एंड इन्वेस्ट प्रूडेंटली एंड अंडरस्टैंड बेसिक फाइनेंशियली प्रोडक्ट एंड सर्विस भी प्रदान करती है, यानी कि फाइनेंशियली समझ को इंक्रीज करने में इसकी जो प्रोडक्ट है काफी ज्यादा मदद करती है, खास करके महिलाओं को। और यह अपने सर्विस को थोड़ा सा एक्सपेंड किया है, जिसमें प्रोवेन एंड प्रोवेन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ट्रेनर, दूसरा आता है टेक्नोलॉजी ड्राइवेन एसेट न्यूट्रल एंड स्केबल बिजनेस मॉडल, चौथा आता है, तीसरा आता है फोकस ऑन प्रैक्टिस एंड लर्निंग, चौथा आता है डाइवर्स कोर्स ऑफ ऑफरिंग एंड पांचवा आता है पैंडेमिक टेस्ट मॉडल। जैसे कि कोविड का सिनारियो आया था 20 में, तो वहां पे काफी ज्यादा चैलेंज सामना करना पड़ा था, खास करके फाइनेंशियली। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों को खाने तक की भी जरूरत की चीजें नहीं थी, पैसे नहीं थी, तो इन सारी चीजों को कैसे मैनेज किया जाता है, पैंडेमिक हो तो किस तरीके से मैनेजमेंट की जाती है, फाइनेंशियली इन सारी चीजों को ट्रेनिंग देता है। और इसका मुख्य फोकस फाइनेंशियल फ्रीडम होना सिखाती है। तो इसका बिजनेस ना बहुत बेहतरीन है, यूनिक बिजनेस बोल सकते हैं, और खास करके युवाओं और महिलाओं के लिए यह एक बड़ी बड़ी मदद कर रही है। इम्पोर्टेंट कदम उठाया है इस तरफ कि किस तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी चाहिए, महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए एक बड़ा हेल्पर साबित हो सकता है भविष्य में। और इसके बिजनेस काफी तेजी से ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है, यूनिक बिजनेस है, और अपने बिजनेस के दम पर अपने निवेशकों को बहुत ही शानदार मुनाफा दे सकती है।
यूनिक बिजनेस के साथ साथ फाइनेंशियल स्थिति भी बहुत ही बेहतरीन है। एंड इसकी जीएमपी की बात करें तो अभी तक इसकी जीएमपी ओपन नहीं हुआ है, लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा जीएमपी ओपन होगा, शायद जीएमपी ना भी ओपन हो, लेकिन अपने बिजनेस के दम पर अपने निवेशकों को बहुत बेहतरीन मुनाफा दे सकता है। कम से कम 30-40% का लिस्टिंग गेन यहाँ पर मिल जाना चाहिए। मिनिमम हमें लिस्टिंग गेन 30-40% की मिल सकती है। अभी तक जीएमपी ओपन नहीं हुआ है, जैसे डिमांड बढ़ेगा, जैसे जैसे इसकी जीएमपी बढ़ेगा एंड एक बेहतरीन यहाँ पर लिस्टिंग गेन मिलना चाहिए, लेकिन मिनिमम 30-40% हम लोग यहाँ पर लिस्टिंग का उम्मीद कर सकते हैं। बिजनेस बहुत अच्छा है, बिजनेस के दम पर अपने निवेशकों को अच्छा रिटर्न बना करके दे सकते हैं। फाइनेंशियली भी इसकी स्थिति ठीक ठाक है। बाकी आपका पैसा कहाँ निवेश करना है इसका डिसीजन आपको लेना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में निवेश करना हाई रिस्की होता है, इसलिए निवेश करने से पहले गहरी एनालिसिस एंड रिसर्च जरूर करें, हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी एडवाइज करें, इसके बाद ही निवेश करने का विचार बनाएं। आई थिंक सर पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे, जो समझ में आ रही है। मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।